विधानसभा क्षेत्र पांगी घाटी है, जल शक्ति का मंडल और साच पंचायत में जल शक्ति का उपमंडल, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। मैं पांगी घाटी के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो कई वर्षों से उन लोगों की मांग थी कि पांगी घाटी में जल शक्ति का डिवीजन खोला जाए, मुझसे पहले भी कई मंत्री नेता रहे हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर यह प्रयास किया होगा, लेकिन वो इस बात को गंभीरता से नहीं रख पाए अपने मुख्यमंत्री के पास, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से जब ये निवेदन किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भरमौर में और पांगी में आईपीएच का सब आईपीएच का डिवीजन नहीं है, दोनों हमारे जो मंडल थे भरमौर और पांगी किलाड़, उसकी डिमांड मैंने माननीय मुख्यमंत्री से की थी। पहले हमने भरमौर में जल शक्ति का डिवीजन खोला, ये एक्शन साहब भरमौर के हमारे साथ बैठे हुए पांगी का कार्यभार भी उनके पास था, और उसके साथ साथ होली में जल शक्ति का सब डिवीजन भी हमने वहां पर अपने कार्यकाल में खोला। और पांगी घाटी जिसका जो सब डिवीजन पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर काम करता था, और पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत बड़ा विभाग है, वो पहले अपने ही काम को अपने पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाते थे, और हमारा जो पैसा आईपीएच का होता था जल शक्ति का, वो लैप्स हो जाता था। पहले हमने पीडब्ल्यूडी से सब डिवीजन को अलग कराया, चुरा में डाला इसको, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट किया सब डिवीजन को आईपीएच चंबा में, और जब चंबा में ये डिवीजन सब डिवीजन हमारा शिफ्ट हुआ पांगी किलाड़ का, तो लोगों को बहुत परेशानी इसमें आती थी, क्योंकि चंबा का जो एक्शन था वो पांगी के जो हमारे लोग वहाँ पर जाते थे उनके और विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे। तो मैंने सब डिवीजन को भरमौर शिफ्ट करा दिया, और वो इसीलिए मैंने शिफ्ट कराया था कि भरमौर और पांगी की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने स्तर पर ये सोचा और मैंने डिमांड की, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से मैंने आग्रह किया कि भरमौर और किलाड़ की बहुत ज़्यादा दूरी है, और पांगी में हमारा ये जो डिवीजन है ये खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और महेंद्र सिंह ठाकुर जी का, जो हमारे जल शक्ति के मंत्री हैं, उन्होंने हमारी ये मांग मानी और पांगी घाटी किलाड़ में जल शक्ति का डिवीजन और साथ में सब डिवीजन, इन दोनों की घोषणा ही हुई, और अब डिवीजन का आज मैंने इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया, और लोगों को पांगी के लोगों को मुझे लगता है बहुत निजात इस काम से मिलेगी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ पांगी घाटी में रोपवे के लिए, जो भनोटी से रोपवे पांगी किलाड़ के लिए बनेगा, केंद्र सरकार से 1050 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर किए गए हैं, और बहुत जल्दी इसकी डीपीआर बनेगी। फायर ब्रिगेड की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी के लिए की है, उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और किलाड़ की एक जो बहुत बड़ी डिमांड रहती थी, क्योंकि वहां पर सीवरेज नहीं थी, और हमारा जो ये अगर पर्यटक की दृष्टि देखा जाए तो हमारी पांगी घाटी बहुत से पर्यटक वहां पर जाते हैं, और वहां पर सीवरेज नहीं थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, गंदगी भी बहुत फैलती थी। वहां सीवरेज का हमने निर्माण कराया, उसके लिए भी मैं माननीय जयराम ठाकुर जी का, आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो कंप्लीट हो रही है और अप्रैल में हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। किलाड़ में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। मैंने अपने कार्यकाल में पांगी घाटी किलाड़ में तीन नए पुल का निर्माण वहां पर कराया। मैं जब पांगी गया था बर में 6 दिन वहां पर जब रुका था मैं, उसके बाद मैंने प्रेस वार्ता भी यहां पर की थी, और उसमें मैंने कहा था कि पांगी घाटी के लोगों की जो सुविधा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो लाइट है। उसका एक पावर हाउस छोटा वहां बनना है मानो नाले में, उसकी भी डिमांड मैंने माननीय मुख्यमंत्री से की है, लेकिन उसके बाद भी
हमने 9.5 करोड़ की लाइटें, मुफ्त लाइटें पांगी घाटी के जो गरीब लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको मुफ्त बांटी है। और एक लाइट की कीमत 38,000 रुपये बढ़ती है। हमने लोगों को ये लाइटें भी मुफ्त बांटी। इसी तरह पर हमने गैस कनेक्शन भी हजारों में पांगी घाटी में लोगों को बांटे। जियो का टावर हमारे चस्क में, हिरोटवान में, कलमोनी में, अलग अलग स्थानों पर जियो का टावर हमने लगाए। और पांगी घाटी जो है अब हमारी लगभग प्रगति की ओर अग्रसर। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, केंद्र सरकार का भी, कि वर्षों से भरमौर के लोगों की जो मांग थी, कांगड़ा के लोगों की जो मांग थी, होली उतराला सड़क, कई चुनाव इसी के नाम पर लड़े जाते थे कि हमें विधायक बनाओ, हमारी सरकार बनाओ, हम होली उतराला सड़क बनाएंगे। वहां के मंत्री भी रहे, चाहे वो बैजनाथ के थे, चाहे वो भरमौर के थे, वन मंत्री रहे, अगर ये वो प्रयास पहले करते तो आज तक ये सड़क बन गई। उन लोगों ने प्रयास नहीं किया। मैंने सुना एक वन मंत्री तो पैदल भी गए थे उसी रास्ते से, और उन्होंने कहा था ये सड़क नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री जब बैजनाथ में आए थे, एक जनसभा में उन्होंने घोषणा की कि होली उतराला सड़क बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने भी मेहनत की, हमने भी मेहनत की, इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस सब बिल्कुल हो गई। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और भरमौर और बैजनाथ के लोगों को, होली नाले के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 13 करोड़ रुपये इसका स्वीकृत हो चुका है, और भरमौर से जो हमारा एरिया 2.5 किलोमीटर का बनता है, उसकी हमने DPR बना के 49 करोड़ की भेज दी है। बहुत जल्दी वो सेंक्शन होने वाली है, उसका काम युद्ध स्तर पर हम भी स्टार्ट करते हैं। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।